बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी डेरो ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी बना रही हूँ। इसका नाम है आलू बैंगन और चने। ये बड़ी मज़ेदार होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आधा किलो आलू है, आधा किलो बैंगन है। बैंगन काट के पानी में भिगो लिए हैं। अगर पानी में ना भिगोए तो ये काले हो जाते हैं। पानी में आलू भी मैंने पानी में डाल के नमक डाल दिया है ताकि ख़राब ना हो। चने मैंने बॉयल कर लिए थे। दो टमाटर हैं और सब्ज़ी मिर्ची जी मैं काटी नहीं, ये मसाले के साथ काट के डाल दूँगी। घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने तैयार किया है, जो मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ। साथ ही इसके मैं ये टमाटर और सब्ज़ी मिर्ची काट के डाल दूँगी। ये माशाल्लाह से हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। अब मैंने गरम मसाला डाला, फिर सूखा धनिया में थोड़ा सा डालूँगी और ये टमाटर और सब्ज़ी मिर्च मैंने काट ही करवा के डाल दूँगी। मैंने आपको दिखाई नहीं, अब मैं इसमें बैंगन डालूँगी। पहले चने तो बॉयल हुए हैं, चने बैंगन मैं इसलिए डालूँगी ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। बहुत बारीक काटे हैं, फिर भी इनको पहले डालूँगी। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, फिर 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी। इसमें मैंने 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारा है। देखिए माशाल्लाह इसके कितने प्यारे हो गए। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू मैंने डाल दिए, इनको मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इनमें चने डालूंगी। चने बॉयल किए हैं इसलिए मैंने कहा चने को बाद में डाल लूँगी, आलू और जो बैंगन है पहले इनको डालती हूँ, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। चने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, फिर बाद में इसमें नमक मिर्च मसाले डाल के आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से 1 चम्मच मिर्च की है, 1/2 चम्मच हल्दी का डालूँगी और 1 चम्मच नमक का डालूँगी। सब्ज़ मिर्च में डाली है इसलिए मैंने 1 चम्मच सूखी मिर्च की डाली है। अब मैं इनकी अच्छी तरह बनाई करूँगी, हल्का सा पानी का छींटा लगाऊँगी, अच्छी तरह बनूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है। अब ये अच्छी तरह इनकी बनाई करूँगी जब तक ये आलू गल नहीं जाते। बहुत मज़ेदार बनेगा, आप जरूर इसे ट्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया है, कितना इसका कलर है, इसका फ्लेवर कितना प्यारा है। ये देखिए माशाल्लाह से घी भी ऊपर आ गया, बैंगन भी इसमें मिक्स हो गए हैं, बहुत ही मज़े का। आलू भी डाल चुके हैं, मैंने कहा आपको आलू भी तोड़ के दिखा दूँ। देखिए कितने प्यारे हो। अब मैं आपको डिश और करके दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें ताकि हमारी हौसला जाए। ये जो बैंगन के होते हैं ना डंडल, ये लाजमी डालने चाहिए, इससे जायका और बढ़ता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और ट्राई करके हमें कमेंट्स करके बताएँगे कैसा बना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये कुछ ज़्यादा सही रेसिपी है, आम रेसिपी से।